So I'm feeling player. We are with the professor of medicine, Dr. Zahir Yasin Hashmi, and a well-known hepatologist. He is enjoying very good clinical reputation throughout the world, and also have read different research paper in international conferences. Recently, he come back from USA, and we have a very precious time with Dr. Professor Hashmi. He is the pioneer of the Liver Foundation Trust, DHQ Hospital, Faisalabad. He's serving the humanity. So, Rasab, we welcome you, and thank you very much. Rasab, dekha gaya ke Pakistan mein jo hepatitis ke mareez hain, uski tashweesh na had tak wo badh rahe hain. पहले चाइना नंबर वन था, अब सर ये कि पाकिस्तान नंबर वन हो गया, और तो उसमें सर आपकी ये बहुत बड़ी रिमार्केबल काबिल जिक्र जो है ना, वो आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, आपने आप पाइनियर हैं, आपने इस लिवर फाउंडेशन को अपना खून दिया है, अपना टाइम दिया है. हालांकि सर आपके पास माशाल्लाह यू आर वेरी बिजी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजी डॉक्टर. तो सर हमें हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि जो इतनी बड़ी आप सर्विस कर रहे हैं जो जिक्र के अमराज के बारे में, तो उसमें सर हमारे लिए वो एक असासा साबित होंगे. थैंक यू. बहुत शुक्रिया आपका, और इतने बेहतरीन तारुफ़ का जिसका मैं हकदार नहीं हूँ, आपका बहुत शुक्रिया. मैं ज़ाती तौर पे ये महसूस करता हूँ कि हम सब की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिसका तायुन इस बात से किया जाता है कि हमारा ताल्लुक किस शोबे से है. अब मैं चूँकि तिब के शोबे से मुतालिक हूँ, और कोई चार दहाइयों से ज़्यादा अरसा हो गया मैं इससे मुंसलिक हूँ, तो कोई मिड 90s में मैंने महसूस किया कि हमारे यहाँ जिगर का मर्ज बहुत तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि तब मैं एक मेडिकल यूनिट का इंचार्ज था. मैंने देखा कि हर तीसरे पेश बेड पे कोई ना कोई जिगर का मरीज़ दाखिल है किसी पेचीदगी की वजह से. तो वो मेरे लिए पहला एक अलार्म साबित हुआ कि देर इज़ समथिंग सीरियसली रॉन्ग विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड. तो फिर हमने कुछ कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च की, तो हमें बहुत तश्वीश हुई ये जान के कि फैसलाबाद और उसके गिर्द नवा में हेपेटाइटिस सी तो बहुत ज़्यादा कॉमन था. अक्सर जगहों पे 22% से ज़्यादा शरह थी, कुछ जगह ऐसी भी थी जहाँ 33%, और मामू कांजन में फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 38% शरह मिली. तो ये बहुत एक अलार्मिंग बात थी, और एक मेडिकल स्पेशलिस्ट होने की हैसियत से मैं इस खौफ का शिकार हो गया कि आने वाली चंद दहाइयों में मेरे मुआशरे के जो नौजवान हैं उनकी एक बड़ी तादाद एंड स्टेज लिवर डिज़ीज़ में मुब्तला होगी, और इसकी बजाय कि वो मुआशरे की ज़िम्मेदारियाँ संभालें, वो बताते ख़ुद मोहताज होंगे कि उनकी फैमिली या मुआशरे के दीगर लोग उनका ख्याल रख सकें. सर, ये ट्रीटमेंट बड़ा एक्सपेंसिव है, और 3 मंथ्स का ये लेना पड़ता है, तो उसमें सर ये जितना इलाज मुआवजे के एक्सपेंसिव हैं सर, ये तो बहुत सर बहुत बड़ा एक कहने पर व्यक्त है. आप सर इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि इलाज मुआलजे में सिर्फ अद्वियात के अखराजात ही नहीं होते, बल्कि इलाज शुरू करने से पहले जो टेस्ट किए जाते हैं वो हैं, इलाज के दौरान और इलाज को मुकम्मल करने के बाद भी हमें कुछ अर्सा तक मरीज़ के टेस्ट करने पड़ते हैं. लेकिन हमारा ट्रस्ट इस काम के लिए अल्लाह का शुक्र है पिछली तकरीबन 2 दहाइयों से ये काम कर रहे हैं हम, और 2012 से तो हमने जो मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट्स हैं वो भी 2 हमने यूनिट्स एक्वायर किए हुए हैं, और वो गांव जाके या जो चक हैं वहाँ जाके
और उधर ही लोगों की हम लोग स्क्रीनिंग करती हैं, जो पॉजिटिव हो उनके फर्दर टेस्ट के लिए सैंपल ले लेती हैं इंक्लूडिंग PCR, और जब वो पॉजिटिव निकले और जिनको अल्टीमेटली हम डिसाइड करें कि उनको इलाज ज़रूरी है, एंटीवायरल ड्रग्स लेनी है, तो फिर उनके गांव में जाके उनके घरों में ही दवाइयां हम उनको प्रोवाइड करते हैं। अब बाद में भी जो उनके फॉलोअप हैं और जो उनके फर्दर टेस्ट हैं वो उनके गांव में जाके ही हम मैनेज करते हैं। इन अदर वर्ड्स, हमने पॉइंट ऑफ केयर को लोगों की दहलीज पे पहुंचा दिया। हम ये नहीं कहते कि आप कुएं के पास आएँ, हमने कुएं को प्यासों के घरों तक ले गए। और अल्लाह का शुक्र है कि हम अभी तक बेतहाशा गांव जो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के हैं उनको एक सिस्टमेटिक वे में हम उनको स्क्रीन भी कर चुके हैं, और वहाँ इस मर्ज को इरेडिकेट करने में जो हमारा छोटा सा हिस्सा है वो हम डाल चुके हैं। और हमारा जो प्रोग्राम है वो तो बहुत एम्बिशियस है, वो तकरीबन 1500 के करीब गांव हैं फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के। तो वी प्लान के इन टू टू थ्री ईयर्स टाइम हम सारे जो बाकी मानदा गांव हैं उनको भी स्क्रीन करें और जो पॉजिटिव लोग हैं उनका इलाज करें। क्योंकि जब हम इस मर्ज को इसके मरीज़ों का इलाज कर लेंगे और एक रिजर्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो तभी हम उम्मीद करेंगे कि नए मरीज़ों की तादाद में कमी आएगी। और जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले फरमाया कि टोटल नंबर ऑफ हेपेटाइटिस सी पेशेंट्स के लिहाज से पाकिस्तान इस वक्त सर फहरिस्त है, जो बड़ी बदकिस्मती की बात है। तो उसको कम करने का तरीका यही है कि नए मरीज़ों की तादाद को कम किया जाए और अल्टीमेटली ख़त्म किया जाए। WHO का भी जो लोगो है, जो पैगाम है, और जिस पे तमाम मुकम्मल खात्मा है, बिल्कुल तमाम जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने उस पे साइन किए हैं, वो यही है कि 2030 तक इसको ख़त्म किया जाए, और ख़त्म किया जाए मरीज़ों का इलाज करके, तभी मुमकिन है। सर, अल्लाह ताला ने आपको इतनी रिस्पेक्ट दी है। एक सारा बड़ी अच्छी बात कि जो आपके पब्लिक ओपिनियन लीडर्स हैं, जहाँ गवर्नर साहब भी आए, रोटी के मुबारक शाह साहब भी आए, ये सारा आपकी बहुत बड़ी खिदमत है। तो सर, आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि आर यू फीलिंग स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, और हुकूमत क्या देख रही है, आपके लिए कर रही है? देखिए, मैं हैप्पीनेस तो मैं आपको बता सकता हूँ ज़ाती तौर पे। मैंने ज़िंदगी में मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में काम किया है, और मुख्तलिफ स्टेजेस में मुख्तलिफ चीज़ों ने मुझे बेतहाशा खुशी दी। जैसे जब मैं एक स्टूडेंट था तो टॉप करना या मेडल लेना बहुत खुशी देता था, और जब मैं मेडिकल फील्ड में आया तो मरीज़ों का ठीक हो जाना इलाज मुआलजे के साथ बेतहाशा खुशी देता था। मैं टीचर बन गया, बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा मज़ा देता था, और अभी भी उसकी एक एडिक्शन है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि टीचिंग पर से एक एडिक्शन है। रिसर्च की उसमें भी बहुत मज़ा आया, लेकिन ट्रस्ट मी, जब से हम इस सोशल काम में आए हैं, अल्लाह ने तौफीक दी है, और 2003-4 से हम इसके साथ मुंसलिक हुए हैं, तो ट्रस्ट मी, जो मुआशरे के अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको सर्व करने में जो मज़ा है वो नेक्स्ट लेवल का है। वो यू हैव टू एक्सपीरियंस इट टू बिलीव इट, उसको बयान नहीं मैं कर सकता। जी, प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बात की है, और डॉक्टर साहब का कहना ये है कि हमें अपने लेवल पर अपने अपने शोबाजात में हमें ह्यूमैनिटी की जो खिदमत करनी चाहिए। और डॉक्टर साहब का ये बहुत बड़ी बात है कि हुकूमत इसमें कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो इसमें अपनी अचीवमेंट्स दी हैं वो वाकई ही काबिल कदर हैं।
काबिले मिसाल हैं और हैं दुनिया में वही लोग अच्छे आते हैं काम जो दूसरों के, एंड दिस इज़ द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जाम्पल ऑफ द प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तो ऐसे लोगों की हमें हौसला अफजाई करना चाहिए, क्योंकि मुस्बत रवैयों ही से मुआशरे में तब्दीली आती है। थैंक यू वेरी मच।